और बात कर लेते हैं जाति जनगणना की। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जाति जनगणना होगी। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पहल की थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार जाति जनगणना कराने के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि दोबारा सत्ता में आने पर छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना कराई जाएगी। तो लगातार देखिए, बिहार के बाद अब जो बाकी राज्य हैं, चाहे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो कांग्रेस इसी फॉर्मूले पर आगे चलने की तैयारी में है। ये बातें कही जा रही है कि अगर वापस फिर से सरकार बनती है इन राज्यों में कांग्रेस की, तो जाति जनगणना होगी। सीएम अशोक गहलोत की अगर बात करें तो शुक्रवार को उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, आपको सुनवाते हैं। जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास करना, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे, हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई जाएगा। तो देखिए, वादे यहां पर किए जा रहे हैं, चाहे वो बात राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की हो, और ये साफ यहां पर कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जाति जनगणना होगी। एक तरफ देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि जाति जनगणना हम कराएंगे बिहार की तर्ज पर। जिस तरह से बिहार में जो आंकड़े यहां पर जारी किए गए, अब उसी राह पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे बढ़ रही है। अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है, भूपेश बघेल ने भी वादा किया है कि अगर छत्तीसगढ़ में वापसी फिर से अगर होती है कांग्रेस की तो जाति जनगणना होगी। शशि मोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजस्थान से। शशि मोहन, देखिए अशोक गहलोत ने भी यहां पर साफ कर दिया है जाति जनगणना का ये जो दाव है, क्या लगता है किस तरह से कारगर साबित होगा इस चुनाव में? अगर मतलब होता है तो उसमें वरीयता में सबसे पहले आता है वोट, और वोट देने के लिए नेता जाति का जनगणना की बात कर रहे हैं। और ये बात शशि मोहन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की, लेकिन बार बार हम आपको ये खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जिस तरह से जो आंकड़े जातिगत जनगणना को लेकर जो सामने आए हैं, उसके बाद अब उसी राह पर चल रही है राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार। कहीं ना कहीं ये दांव चलने की कोशिश कांग्रेस की नजर आ रही है। वादे किए जा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार राजस्थान में बनती है दोबारा, फिर से छत्तीसगढ़ में बनती है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में साफ कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जाति जनगणना होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से ईडी की पूछताछ का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ईडी ने संजय सिंह और उनके करीबी साथी सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। आपको बता दें कि संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर है। पहले ये रिमांड ज्यादा दिनों के लिए मांगी गई थी, लेकिन ईडी को केवल 10 तारीख तक की, यानी 5 दिनों की ही रिमांड मिली। आज उनसे पूछताछ होगी, आज पूछताछ का दूसरा दिन है। कल बता दें आपको, कई घंटों तक पूछताछ हुई, यहां तक कि संजय सिंह के जो करीबी है सर्वेश मिश्रा, उन्हें भी बुलाया गया और उनसे भी पूछताछ यहां पर हुई होगी। देखना यह है कि आज दूसरे दिन क्या कुछ खास होता है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आज संजय सिंह से पूछताछ होगी, आज दूसरा दिन है, कल सर्वेश मिश्रा को बुलाया गया था, आज की क्या प्लानिंग है?
बिल्कुल, 5 दिन की ईडी की कस्टडी में है संजय सिंह, और संजय सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है, और संजय सिंह के जो करीबी हैं उनको भी समन देके बुलाया जा रहा है। कल जो सर्वेश मिश्रा है उसे ही बुलाया गया था, और करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। हालांकि संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा को आमने सामने बैठा कर पूछताछ नहीं की गई थी, जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिए गए थे। और आज 11 बजे जो विवेक त्यागी, जो कि संजय सिंह के ही बेहद करीबी है, उनको भी ये बुलाया गया है। और ईडी का ये आरोप था कि जो पैसे का लेन देन हुआ है वो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के जरिए ही हुआ है, और इसीलिए इनसे पूछताछ की जानी जरूरी है। और इसी आधार पर जो है 5 दिन की रिमांड जो है वो मिली थी, अभी आज 11 बजे बुलाया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि विवेक त्यागी आज जांच में शामिल होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, लेकिन लगातार जो है जितने करीबी थे, जिन जिन का रोल जो है दिनेश अरोड़ा ने बताया था अपने सरकारी गवाह बनने के बाद, बिल्कुल प्रमोद, माना ये जा रहा है कि देखिए 5 दिन जो है अच्छे से पूछताछ होगी, किन किन को बुलाया जाता है, किन के साथ आमना सामना होता है, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। Z News.